बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नावल कुरुतों से आगे की किस्त नंबर 22 पेश खिदमत है। आपसे दोबारा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेशन में अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आनिसत अपने कमरे में दोनों बाजू में सार दिए बैठी थी कुछ देर पहले की। अलीदान की बातें उसके जहन के कुड़ों पर मुसलसल कूड़े की तरह बरस रही थी। आप इसलिए अमीर लोगों से नफरत करती हैं ना, क्योंकि आप तल्लुक आवान खानदान से। आन ये सुनकर शाकड़ रह गई, आंखें जैसे हैरत की ज्यादती से फट गई। अलीदा ने आज ही ये बात क्योंकि क्या मतलब था, क्योंकि आप डरती हैं कहीं आपकी पहचान आवान की नाजायज बेटी के तौर पर जहर ना हो जाए। अलीदा ने वाकई ताकर तीर मारा था, वो बुलबुला भी ना सकी कि आपने मेरे पीछे इन्वेस्टिगेट करवाई है। वो पूरी आंखें खोले उसी अफसोस और हैरत से देख रही थी। क्यों? मैंने इन्वेस्टिगेट करवाई लेकिन थोड़ी सी। अलीदा ने अंगूठे और उंगली को मिलाकर थोड़ी की वजाहत दी। आप क्यों किया, क्यों किया आपने ऐसा, क्या हक था आपको? वो जैसे सदमे से चीखी। उसे अलीदा से इस बात की तवक्को नहीं थी क्योंकि आप बहुत राज रखती थी। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ था। अलीदा लब भींज कर मुस्कुराया, उसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। बस बस अलीदान शायद बहुत हो गए, वो गम गुस्से से हाथ उठाकर चिल्ला। ये कहते ही वो भागती हुई अपनी बिल्डिंग में दाखिल। अलीदान भी उसके पीछे दौड़ा और दरवाज़ा पार ही उसे जा लिया। आपकी ज़िंदगी में आपका कोई कसूर नहीं, फिर आपने क्यों छुपाया? आन आन उसे पीछे धकेल कर दरवाज़ा बंद करना चाह, लेकिन उस जैसे मजबूत शख्स को थोड़ा सा भी परे ना कर सकी। मेरे पीछे मत आए अलीदान शाह, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कोई मेरी ज़ातियात में दखल अंदाजी करे। जैसे मुझे सख्त नफरत है, वो गुस्से से चीख रही थी। वो आपको पता है मैं आप जैसे लोगों से नफरत क्यों करती हूँ? वो सवाल ये, क्योंकि आप लोग हम जैसों के करीब आकर उनकी ज़िंदगी का मजाक बना रहे थे। उसने एक सर्द नज़र अलीदान पर डाली और दरवाज़ा उसके मुँह पर बंद कर दिया। फिर दरवाज़े से टेक लगाकर वहीं आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ गई और अपने बाज को अपने टांगों के गिर्द हिसार करके सर इसमें छुपा लिया। वो रोना चाहती थी, शदीद रोना चाहती, लेकिन वो अपनी तनहाई में बाहर अलीदान तो मानो फरीज हो गया था, वहीं खड़ा रह गया। उसके पास वाकई अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो इस पर हंसा नहीं था, ना वो ऐसा कर सकता था। अलीदान ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन जब कोई जवाब ना मिला तो आन मैं जानता हूँ आप सुन रही, मैंने क्या किया जो भी कहा था उसका मतलब सिर्फ ये था कि मैं ये सच पहले दिन से ही जानता हूँ। आवान फैमिली की वजह से मुझे इग्नोर करना बंद करें। आन जिन लोगों को आप पसंद नहीं करती मैं भी उन लोगों से नफरत करता हूँ। दरवाजे के दूसरी जानब देखो तो आन नीचे दरवाजे से टेक लगाया अपना मुंह बाजू में छुपाए हुए थी। जिसम की लर्जिश इस बात का सबूत है कि वह रो रही है। काफ़ी देर बाद आन ने सोचा वो जांच, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दरवाज़ा नाक किया गया। आन मैंने जो कहा उसे याद रखना, जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े मुझे अपने करीब पाएंगी। उस बस या बाहर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आन ने सोचा इस बार वो वाकई ही चला गया। अब वह कहती है अलीदान शाह संग दिल शख्स है, लेकिन आन की अपनी जाती राय के तो वो बिल्कुल भी बुरा शख्स नहीं था। किसी किसी वक्त वो बहुत ही नरम दिल शख्स लगता था, ये जानते हुए कि वो एक अच्छा इंसान। आन की हिम्मत नहीं थी कि उसके करीब जाए, आफ्टरऑल उसकी माँ का सबक उसके सामने था। उस तूफानी रात में वो खूनी मंजर नहीं भूलता था। जब आन बाथरूम का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई और आन ने बेख्तियार वो लम्हा याद आती अपना मुँह दोनों हाथों से बांध करके अपने सिसकियों का गला घूंटा। इस वक्त उसकी फ़ोन की बैल बजने लगी। आन ने जमीन पर पड़े सेल पर निगाह की जहाँ प्रिंसिपल का साइको बेटा के नाम से नंबर चमक रहा था। आन ने गहरी सांस ली और फ़ोन उठा लिया। ठीक दूसरी तरफ आन की परेशान आवाज़ सुना दी। आन मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि तुमको रिप्लेस किया गया। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि यह सब करने वाली मेरी माँ है। तुम इस वक्त कहाँ हो, क्या हम मिल सकते हैं? आन एक गहरी सांस भरकर खुद को पुरसकून के ठीक है तुम हनीम हैदर को भी ले आओ, मैं कैफे इन में मिलती हूँ। ये बात है अगर तुम हनीम हैदर को वहाँ नहीं लाए तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जैसे कैफे इन पहुंची हान हरस उसको देखकर अपने सीट से खड़ा हो गया। हनीम जो हान के साथ कैफे में आकर खुश हो रही थी आन को देखकर हैरत और गुस्सा से मुठियाँ बीच ली। डैम इट ये औरत यहाँ भी आ गई। हान हरस बिल्कुल भी हैरान नहीं हो, उसका मतलब था दोनों में ये मुलाकात पहले से तय पाई थी। मैं आज से पहले बिल्कुल भी नहीं जैसे कि बिना किसी कनेक्शन के भी किसी आदमी को इशारों पर नचाया जा सकता। आन ने हनीम को घूरते चुभते लहजे में कहा। हनीम ने उसे ना समझी से देखा, फिर हान को किसके बारे में कह रही हो? वो मासूम बनी पूछने लगी।
आज प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि तुमने उनसे गुजारिश की है मेरी जगह रिप्लेस करने की। मैंने नहीं की। हनीम ने सर नफी में हिलाया। उसका मतलब प्रिंसिपल ने झूठ बोला है। आन ने हैरा से आंखें बड़ी की। उन्होंने मुझसे मुस्तकबिल का प्लान पूछा था। मैंने सिर्फ ख्वाहिश जर की कि यहीं यूनि में रहना चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो तुमको रिप्लेस कर देगी। तो फिर तुमने मेरे असलों से टकराने की हिम्मत कैसे की? आन ने पुरसकून अंदाज में उसे देखा। हनीम ने मुठियाँ बीज ली। हान हरस ने उसे हैरत और गुस्सा भरे तसरात से घूरा। तो ये तुम थे जिसने ये मसला उठाया? मुझ पर यकीन करो हान, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो गुस्सा से आन की तरफ मुड़ी। तुम ऐसा क्यों कर रही हैं आन? अब जब के हान और मेरे दरमियान सब ठीक हो रहा है तो तुम बीच में इख्तलाफात क्यों पैदा कर रही हो? या तुम गलती पर, तुम एक हद से ज़्यादा लालची औरत हो। ना सिर्फ तुमने हान को मुझसे छीना बल्कि मेरी नौकरी भी हथिया ली। क्या क्या छीनना चाहती हो आखिर तुम? अगर ऐसा है तो मैं भी तुमको कोई हक नहीं दूँ कि ये आदमी तुम्हारे पास रहे। ये कहते ही आन ने हान का हाथ पकड़कर खींच कर उठाया। क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने चल सकती हो? हान हरस बिना कुछ कहे बखुशी उठा और दोनों कैफे से निकले। अभी इंट्रेंस पर थे कि पीछे से हनी भागती है। आन तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे बच्चे का बाप बनने वाला, तुम उसे यूं नहीं ले जा सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, उसने चीखते हुए हान का हाथ पकड़कर खींचा। तुम वाकई बहुत अजीब औरत हो, एक चोर सिपाही को पकड़ते चीख रहा। वाह, वाकई तुमसे बेहतर अदाकार कोई नहीं हो सकता। मत बोलो कि किसके सामने खड़ी हो। ये कहकर आन ने उसका हाथ पकड़कर परे किया, जबकि ये इतना जोर से नहीं था। लेकिन पीछे से हनीम ने लड़खड़ाकर कैफ की सीढ़ियों से खुद को जानबूझकर गिरा लिया। एक चीख थी जिसको सुनकर हान अरस आन के हाथ से झटके से हाथ छुड़ाकर हनीम की तरफ भागा। कुछ भी था, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। हनीम ने नीचे गिरी चीख रही थी और फर्श पर खून ही खून फैल गया था। आन तो दंग रह गई, बेख्तियार दिल पर हाथ लगा। उसने बिल्कुल भी उसे धक्का नहीं दिया, सिर्फ हाथ परे किया था। फिर ये सब वो शॉक में थी। हान ने बाकर उसे उठाया। हान हमारा बच्चा, आह हान मुझे दर्द हो रहा। उसने जानबूझकर धक्का दिया। आह हान हमारा बच्चा। हान हारिस ने गुस्सा से आन को देखा। तुमने उसे धक्का दिया आन? असमत वो चीखा। आन दंग हुई। ये वो हान हारिस तो नहीं था जिसने हमेशा उससे नरमी से बात की थी। आज किसी और के लिए उस पर शक कर रहा था और चीख रहा था। हान ने जल्दी से हनीम के बाजू में उठाया और बाहर भागा। पीछे आन का जहन जैसे दर्द में धुंधला गया। उसने बिल्कुल भी हनीम को धक्का नहीं दिया था, ना वो ऐसा कर सकती थी। हाँ, वो यहाँ उससे बदला लेने जरूर है, लेकिन इस कदर जालिम नहीं हो सकी उसको मारने की ही कोशिश करे। आन ने जमीन पर फैला खून देखकर बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रख दिया। क्या कोई माँ इस कदर भी जालिम हो सकती कि अपने ही बच्चे को? उससे ज़्यादा वो सोच ना सके। एक गहरी सांस लेकर टैक्सी की अपने गारे फ्रेश होकर 2 घंटे बाद अस्पताल की तरफ उनके पीछे रवाना। हान उसके बेड के साथ बैठा था। आन को देखकर हनीम का नाटक फिर शुरू हो गया। क्यों आन, क्यों किया? तुमको मेरे से दुश्मनी थी तो मुझे कहती, मेरे बच्चे ने क्या कसूर किया? तुमने उसे दुनिया में आने से पहले ही वो सिसकी बात अधूरी छुड़कर मुँह डांग पर रोने लगी। आन दांग सी दरवाजे पर खड़ी बस उसे देखती रही। आन को देखकर हान गुस्सा से उसके पास आया। तुम यहाँ से जा सकती हो? आन ने उसे सर्द नजरों से देखा, फिर हनीम के बिस्तर के करीब आकर फूलों का बुके उसके पास रखा। चीखना बंद करो, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आए। हनीम मुसलसल झूठे आंसू बहाए जा रही थी। आन ने हान को देखा। मैं हनीम से अकेले में बात करना चाहती हूँ, क्या तुम थोड़ी देर बाहर जा सकती? ये जिस हालत में है अभी? हान ने इनकार करना, लेकिन आन ने उसे रोका। किस बात का डर है तुम? क्या मैं उसे खा जाऊंगी? आन ने मुड़कर उसे देखा, उसकी आंखों में नमी थी। क्या तुम्हारी नजर में मैं डैन हूँ? हान दांगवा फिर बोला, तो लहजे में हनीम के लिए केयर साफ जहर थी। उसे मुझ देर मत करना, डॉक्टर ने हालत नाजुक बताई। हान कहकर बाहर निकल गया। जब दरवाजा बंद हो आन उसकी तरफ मुड़ी। आंसू उसकी आंखों से छलकने को बेताब थे। तुम ऐसा क्यों कर रही? मैं समझी नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे। हनीम का लहजा जानते बूझते भी मासूम हुआ। मैंने तुमको बिल्कुल धक्का नहीं, ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। नहीं, क्यों किया फिर, किस मकसद से? आन ने दांत पीसे। जवाब हनीम ने भी दांत पीसे और उसे घूर कर कहा, आन असमत तुम मुझसे नहीं जीत सकती। हान हरस मेरा है। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आन दांगो, सिर्फ हान को हासिल करने के लिए तुम्हारा ये तरीका बहुत ही घटिया। तुमने एक बार भी ये ना सोचा कि बच्चे की जान भी जा सकती है। आन हैरान ही तो थी, भला कहाँ देखी थी उसने हनीम जैसी मैं जो अपने मफाद के लिए अपनी ही कोख बर्बाद कर दे। असल में ये बच्चा रहमत बिल्कुल नहीं था। हान खुद भी उस बच्चे के खिलाफ था। प्रिंसिपल खुद ये चाह रहे थे कि मैं इस बच्चे को ख़त्म करूँ, तब भी मुझे बेहतर मुस्तकबिल मिल सकता है। और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने ये मौका जल्द ही फराहम कर दे। तुम ना मानो लेकिन उम इस बच्चे की कातिल ही कहलाई जाओगी। तुमने हान हरस के पहले बच्चे को मार डाला, वो हंसने लगी।
आन के दिल को कुछ हुआ। उसे इस बेगुनाह बच्चे का दर्द अपने दिल में महसूस हो रहा था। क्या तुम्हारा दिल इतना सख्त है कि अपने बच्चे के मरने पर भी दुखी नहीं? आन को दुख और तअस्सुफ हुआ। कुछ भी हो, मैंने अपना मकसद तो हासिल कर लिया ना आन असमत। मैंने तुमसे 4 साल तक शदीद नफरत की है, और उसी नफरत के सबब ये हान हरस को हासिल करने के लिए अपने बच्चे तक की जान ली। वो हंसी अजीब साइको थी ये लड़के। आन को तकलीफ हो लेकिन उसकी संग दिली पर मुझे हैरत है कि एक ही रूम में 4 साल तक रहने के बावजूद भी मैं तुम्हारी नफरत ना जान सकी। सिर्फ एक शख्स को हासिल करने के लिए तुमने अपना बच्चा मार दिया। अफसोस, मुझे तुम पर अफसोस है। हान ये जानकर क्या करेगा? ये सोचो, जाओ तो मैं फिर भी हासिल कर लूँ। ये कहती वो रूम से निकलती चलेगी। यानी अपने कह के ना रोक पाई। बाहर हान उसे देखकर करीब आया। आन, मैं जानता तुमने ये जानकर नहीं किया था, तुम इस वक्त गुस्सा में थे, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आन ने अपनी कमीज की जेब से रिकॉर्ड पेन निकाला और उसके सामने चला दिया। हान ना समझी से उसे देख गया, लेकिन फिर जू जू रिकॉर्डिंग सुनता गया। उसके चेहरे के असरात सख्त होते गए, आंखें गुस्सा से लहू छलकाने लगी। हान ने मुठियां बींच ली और गुस्सा से हनीम के रूम का दरवाजा खोलकर दाखिल हो गया। ये रिकॉर्डिंग हनीम और आन असमत की कुछ देर पहले की गुफ्तगू पर मबनी थी। सच बहरहाल सामने आ गया था। हान, मेरा बच्चा मुझे छोड़ गया, क्या अब तो मुझे छोड़ दोगे? हान जैसी हनीम के बिस्तर के करीब हनीम उसे देखते ही शुरू हो गई। आंसू खेल फिर से शुरू हो गए। बंद करो ये नट, हान धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनकर हनीम ने चौंक कर उसके चेहरे को देखा, जहां पहले से अपनियत की बजाय नफरत और हकारत साफ जहर थी। मैं तुम्हारा सारा खेल जान चुका हूँ, दांत पीसे हनीम दाऊ। ये बात तो सिर्फ उसके और आन असमत के बीच का राज थी। दरवाजा भी बेड से इतनी दूरी पर जरूर था कि बाहर आवाज ना जा सकती, ना ही वो दोनों तेज बोल रही। फिर आज से और अभी से मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, वो दाड़ा था शदीद गैस से। हान का चेहरा सुर्ख था, बस नहीं चल रहा था वो उसका कत्ल ही कर दे। क्या वही सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? क्यों, मैं तुम्हारा मकबूल चेहरा नहीं देखना चाहता, मेरे लिए काबिल नफरत हो तुम। हाँ, नर्स मुड़ा हाथ से टेबल पर पड़ी मेडिसिन गिराता दरवाजा जोर से बंद करता निकलता गया। टैक्सी में जाती आन एक लम्हा अलीदान का नंबर मिलाते हिचक से कि फोन करे या ना करे। मैं हूँ आन असमत, कॉल उठाते आन ने नाम बताया। दूसरी तरफ अलीदान मुस्कुराया, जानता हूँ। अलीदान ने पुरसकून लहजे में कहा, आज के दिन वाकई याद कर, आपने पहली बार मुझे कॉल की है, कैसी है? अब भी नाराज है। काफी देर खामोश रहने का बिल आखिर आन हिचकिचाकर मुद्दा पर आई, क्या मुझे एक और फेवर दे सकते हो? अलीदान मुस्कुरा, क्यों नहीं, क्या आप लेना चाहती है? तो बिल आखिर मछली ने चारा निगल लिया। मैंने सोचा मुझे बहसी उस्ताद के अपनी काबिलियत दोबारा हासिल करनी चाहिए, क्या आप मदद कर सकती हैं? वो हिचकिचा रही थी, क्यों नहीं, मैं तो यही चाहूंगा कि आप किसी भी किस्म की तकलीफ से बच सकें, रात के खाने पर मदद करें ताकि डील कर सकें, कैसा रहेगा? बिना किसी हिचकिचाहट के अब के बार आन ने सर हिला दिया। ठीक है, क्या खाना पसंद करें, क्या खाना पसंद करेंगे? क्या आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकती? अलीदान ने अचंभे से पूछा। मैं बहुत कम ही जाती हूँ, अक्सर खुद ही पका लेती हूँ, आन ने नरमी से कहा। अलीदान ने अबरू चढ़ाई, कि आप कुकिंग करना भी जानती हैं? आन ने मुँह सिर कहा। अलीदान प्यारा सा मुस्कुराया, वाह तो फिर जाकर सब्जियां खरीदे, मैं रात का खाना आपके घर खाऊंगा। आन थोड़ा हिचकिचा, लेकिन मेरी पकाई डिश शायद आपके मेयार के मुताबिक ना हो, ये आप बिना जाने कैसे कह सकती है? मैं अभी एक मीटिंग में हूँ इसलिए कॉल बंद करता, वी विल मीट ईट डिनर बाय। आन ने सांस भरकर सेल ऑफ किया और ड्राइवर्स का गाड़ी मार्केट के सामने रोकीगा। शाम 7 बजे अलीदान उसके दरवाजे पर मौजूद था। आन ने दरवाजा खोलकर वेलकम किया, अंदर कदम रख धरती मुख्तलिफ खुशबुओं ने इस्तकबाल किया था। क्या पका रही हैं? खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही, अलीदान ने फिजा में फैली खुशबू सूंघते कहा। आन धीमा सा मुस्कुराई, मैंने आपके लिए चिकन कौरमा बनाया। ओह, क्या आप मुझे फैटी करने का मनसूबा बना रही हैं? अबरू उछलाकर उसके चेहरे को नजरों से भरा। आन शर्मसार हो गई, आप जाकर हाथ धोइए, मैं तब तक खाना लगाती, उसे कहती खुद चिकन में किचन में चली गई। अलीदान हाथ वॉश करके टेबल पर कुर्सी खिसकाकर बैठ गया। उसने कभी इस तरह घरेलू डिशेस घरेलू अंदाज में सजी टेबल नहीं देखी थी। चिकन कुरमा, फ्राइड राइस, मिक्स वेजिटेबल डिश, शामी कबाब, रायता, रोटी, सलाद, फ्रूट, ट्राइफल, चिकन सूप के साथ ऑरेंज जूस का मग, टेबल फुल हो गई थी। आन ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया, खुद भी दूसरी तरफ बैठ गई। आपने इतना कुछ तो बना लिया लेकिन सोडा वाटर नहीं रखा, ओह क्या मुझे अब खरीदने जाना चाहिए? आन शर्मिंदगी से बोली, इट्स ओके, अभी तो भूल जाए, लेकिन आइंदा याद रखिएगा जब जब मेरी दावत कर। वो आराम से बोला। आन खामोशी से बैठ गई, क्या वो आइंदा भी
वक्त चाहता है। अलीदान जैसे जैसे खाना खा रहा था सर भी हिलाता जा रहा था। हम वह आपकी कुकिंग एबिलिटी को मान गया, आफ्टरऑल ये सब आपकी ख्वाहिश से मेल नहीं खाता। आन को याद है आखिरी बार उसने उसकी इंस्टेंट कॉफ़ी मुंह बनाकर पी थी। मैं पहले हैरान ज़रूर लेकिन अब नहीं, आपके हाथ का बना हुआ ही चिकन कौरमा तो बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट के टेस्ट जैसा है। अलीदान ने दिल खोल कर तारीफ की। ये पहली बार तक किसी औरत ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। नहीं बिल्कुल, ये किसी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार है, क्या आपको यकीन है? ये अपने खुद बनाए, अलीदान ने उसे चिढ़ाया। ऐसा लगता है आप ये बाहर से खरीद लाई। सही कहा ना? आन बे इख्तियार खिलकिया। मैं आपको ऐसी लगती हूँ? अलीदान ने बहुत प्यार से उसे खिलखिलाता देखा। वो दिन दिन खुद को उसके शहर में झगड़ा महसूस कर रहा था। दिन दिन उसे अपने करीब और बेहद करीब लगती जा रही थी। क्या अब उससे दूरी बिना सकता? क्या वो उससे दूर जा सकता? कभी नहीं, नामुमकिन था। वो दिल ही दिल में हिसाब किताब करता जा रहा था। दोनों की नज़रें मिली थी और वहीं जम गई थी। धड़कनों में बहुत सा प्यारा सा राग अलापा था, एक दूसरे से मिलकर जैसे माहौल में फसूं बिखेरा था। सुबह आन की आंख मुसलसल होने वाली कार पर बामुश्किल खुली थी। सना हमजा उसे सुबह 8:30 बजे फ़ोन किया था। आन रात को अलीदान को रुसत करने के बाद अलार्म ऑफ करके सोई थी। आन हैरान हुई, 10 बजे से पहले ना उठने वाली सना हमजा उसे 8:30 बजे फ़ोन कर रही थी। ओ माई गॉड, क्या सूरज आज शुमार से तल हुआ है। फ़ोन उठाते सना हमजा की चहकती पुरजोश आवाज़ सुनाई दी। हनीम हैदर के स्कूल में रहने की क्वालिफिकेशन कैंसिल हो गई, अब तुमको ही पहली जगह रख लिया गया। ये एक्सप्लेनेशन इंतजामिया की तरफ से नोटिस बोर्ड पर लगेगी जिसके मुताबिक इनको गलत फहमी हो गई थी, वो मर्द खा थी। मैं तो हैरान हूँ ये रात बीच में कौन सा तूफान आ गया। हनीम हैदर को मौत आ गई, क्या कुछ भी हो। डैम इट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सना की मुस्कुराती खिलखिलाती आवाज़ सुनकर आन को लगा उसके दिल की जमीन पर किसी ने ठंडी फुहार बरसाई। वो जानती थी कि ये सब अलीदान की वजह से हुआ। कुछ भी हो, उस शख्स ने उसे अपना एहसान मंद कर लिया था। आन मुस्कुराती उठकर एक हाथ से अपने खुले लंबे बालों का रफ सा जोड़ा बनाया, दूसरी तरफ सना हमजा उसे कह रही थी, अब सोचो इस खुशी में मुझे लंच कहाँ करवा रही हो, आखिर मैंने इतनी बड़ी खुशी खबर सुनाई है, अब तो तुम मुतमैन हो ना। आन मुतमैन सा मुस्कुराई, जहाँ दिल चाहे लंच के लिए चलना, जो दिल चाहे मंगवा लेना, भले वो महंगा ही क्यों ना हो। आन दरिया दिल हुई, ओह ये तुम हो ना। आन वो चीखी, इतनी सखी कब से हो गई हो यार, वो जैसे बेयकीन हुई थी, हम जब से ये खुशी की खबर सुनी है। वो दिल से हंसी, ओके फिर 10 बजे स्कूल गेट पर मिलते हैं, डन। सना की कॉल काट कर आन ने होंठ दांतों में दबाए, पल को सोचा अलीदान को कॉल मिलाई, उसे अलीदान का शुक्रिया भी तो अदा करना था। दूसरी तरफ अलीदान की मसरूफ सी आवाज़, यस इट्स मी आन, मनमरा जानता हूँ, वो धीरे से गंभीर लहजे में बोला था। क्या आप मसरूफ हैं? आन ने उसके लहजे से अंदाज लगा, इट्स ओके, आप क्यों इतनी सवेर जागे, क्या आपने लास्ट नाइट नहीं कहा था कि देर तक सोंगे? अलीदान की ये बात सुनकर मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। लास्ट नाइट सबके मुंह खुल, क्या उनके सीईओ का किसी से चक्कर चल रहा था? हर एक जहन में इस वक्त यही सोच थी। अलीदान शाह जो हर वक्त संजीदा और सख्त रहता था, आज फोन पर इतना नरम बात कर रहा था। किसने बनाया उसको इतना नरम को? सबको तजस्सुस लाग गया था। उनको दिल किया फोन के दूसरी तरफ की शख्सियत को 7 तोपों की सलामी पेश करे, जिस वजह से अलीदान शाह जैसा खड़ूस शख्स नरम खूब बन गया था। हाँ ये मेरा अपना जाती फैला था, लेकिन अभी मेरी दोस्त ने फ़ोन करके उठा दिया मुझे। आन ने मुंह बनाया, अच्छा क्या कह रही थी? अलीदान नरमी में इस्तफसार किया, एक्चुअली मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है, स्कूल ने मुझे दोबारा से पहली पोजीशन पर रखा है, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हो सका, बहुत बहुत शुक्रिया अलीदान शाह। वो शुक्र गुजार थी। अलीदान मुस्कुरा, मैंने पहले भी कहता आप भी कहता, मुझे आपसे लफ्जी शुक्रिया बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको शुक्रिया कहने का दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। कौन सा तरीका? आन बोलपन से बोली। अलीदान कुर्सी से उठा और मीटिंग रूम में मौजूद अफराद को नज़रअंदाज करता हुआ बाहर निकल आया। मिसाल के तौर पर मेरी मी धीमे से सरगोशी की गई। आन के गाल शर्म से देख दे, अगर आपने मजाक ही करना है तो मैं फ़ोन रखती हूँ, लाभ भेज ली, मैं वाकई में फ़ोन रखने लगी हूँ। आन ने प्यारी से धमकी दी थी, फिर मेरे से लंच पर चलना पड़ेगा। अलीदान प्यारा सा धीमा सा मुस्कुराया, आज नहीं, आज मेरी फ्रेंड के साथ लंच तय। आन मदम सा मुस्कुराई थी, तो फिर रात? अलीदान ने बमें चुकाई, नोप, रात को कुछ स्टूडेंट्स को सुप्लीमेंट्री लेसन की तैयारी करवानी है, 8 तो बज जाएंगे। जब आप खुद ही मेरे से मुखलिस नहीं है तो फिर कैसे शुक्रिया कहती है? अलीदान ने भूमें खींच ली, कल का लंच कैसा रहेगा? आन ने जल्दी से उलझन का हल तलाश कर लिया, नाइट नॉट बैड। अलीदान मुस्कुरा दी, वो उसे निकार नहीं कर सकता था, तभी ये बात मान ली, ओके देन बाय। फोन रख कर आन ने खिड़की से बाहर नजर की, जहाँ गहरे बादल छाए हुए थे, ऐसा लगता था बस किसी वक्त बरस कर जल थल कर देंगे।
आन ने मुंह पर हाथ रखा। बाहर का मौसम उसे प्यारा लग रहा था, किया इसलिए कि आज वो दिल से खुश थी। हाँ सच है, सारे मौसम अंदर की आकाश होते हैं। हमारे अंदर ना खुश हो तो बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं लगता, और जब दिल अंदर से खुश हो तो फिर बाहर की गर्म हवाएं भी बाहर की ठंडी नरम मीठे झोंकों जैसे लगती हैं। यही सच था, वो खुश थी, बहुत खुश। सना हमजा के साथ एक ज़बरदस्त लंच के बाद आन ने सोचा अलीदान को शुक्रिया के तौर पर कोई गिफ्ट दे, लेकिन क्या, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त दोनों माल आ गए। आन उसे लेकर एक गिफ्ट शॉप पर है, क्या खरीदना चाहती हो? सना हमजा उसे कन्फ्यूज देकर पूछने लगी। आन को समझ में नहीं आ रहा था कि अलीदान की पसंद के मुताबिक क्या चीज़ हो सकती है। वो मैंने तुमको बताया था, मेरा एक बड़ा भाई है, मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लूँ। आन ने बहाना किया, लेकिन तुम्हारी फैमिली के अफराद तो तुमसे मिलना पसंद नहीं करते। सना ने उसे अचंभे से देखा, इतना तो वो भी जानती थी कि आवान फैमिली उससे ताल्लुक नहीं रखती। हाँ लेकिन भाई उनसे मुख्तलिफ, मेरा ख्याल रखते हैं। आन ने बात बनाई, वो उसे ये नहीं बता सकती कि अलीदान शाह के लिए तोहफा लेना चाहती। ठीक है, सना मुस्कुराई, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। दोनों एक हैंडमेड गिफ्ट शॉप पे गई। काफ़ी देर ढूंढने बाद जाकर दोनों ने गिफ्ट पसंद किया। आन ने गिफ्ट पैक करवाया और दोनों वापस आन के घर आ गए। आन, मैं नहीं जानती मेरे यहाँ से जाने के बाद पता नहीं कभी हम मिल सकेंगे या नहीं। सना ने चाय का घूंट भरकर कप दोनों हाथों में थामे कदरे उदासी से कहा, जब भी मेरी याद है मुझसे आकर मिल लेना। आन ने मुस्कुराकर उसे देखा, हाँ हाँ याद है, आज सुबह जब मैं इधर आ रही थी मैंने सुना कि हनीम इधर हॉस्पिटलाइज हो गई, उसका मिस कैरेज हुआ है। सना ने उसे देखा, आज के बाद हनीम का कोई जिक्र मत करना। आन उसे टोका, तुम भी बात करो। हाँ नारस पर फिर यकीन मत करना, बल्कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। हाँ ज़रूर, मैं एक आदमी से मोहब्बत करूँगी, फिर शादी करूँगी, फिर दो बच्चे होंगे, एक लड़की एक लड़का। आन दिल खोल कर हंसी। सना ने भी हंस कर साथ दिया, ऐसा ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगी। दोनों मुस्कुराने लगे। अलीदान शाह के साथ वो लंच पर आई थी, ये आन की तरफ से ट्रीट थी जो उसने एक महंगे रेस्टोरेंट में दी थी। वो उसका बाहरी इंतजार कर रही थी। अलीदान जैसे ही पहुंचा दोनों साथ अंदर आए थे। आन ने उसे इशारा किया कि ऑर्डर करें। क्या आप चाहती हैं मैं ऑर्डर करूं? आन ने सर हिलाया, क्या आपको डर नहीं अगर मैंने महंगी डिशेज ऑर्डर कर ली? अगर इस तरह आपका अंदर मुतमिन होता तो जितनी महंगी चीज़ें चाहें कर लें, कोई बात नहीं, आखिर में क्या होगा अगर मैं अफोर्ड ना कर सकी? ज़्यादा से ज़्यादा ये कि यहाँ रोक कर बर्तन दोगी? वो मुस्कुराई, उसके अल्फाज हिम्मत से भरे हुए थे। अलीदान मुस्कुरा दिया, उसे उसकी यही कॉन्फ्रेंस पसंद आती थी, और जोकर अड्डा नोट करवाया। खाना खाते हुए दोनों खामोश थे। आखिर आन ने पूछा, आपने प्रिंसिपल को क्या कहा था तजस्सुस? अलीदान ने उसे घूरा, थोड़ा सा, आन ने उंगली से थोड़ा की वजह दी, मैंने सिर्फ इतना कहा मैं आनिया असमत को पसंद करता हूँ, जो जगह उसने छोड़ी वो वापस करें, वरना शाह फैमिली से अच्छे ताल्लुकात भूल जाए, एक्चुअली उनके हमसे बिजनेस रिलेशन है। आन का चेहरा ये सुनकर सुर्ख हुआ, मैं आन असमत को पसंद करता हूँ, अलीदान ने उसके चेहरे पर फैली सुर्खी को बगौर देकर वहीं फ्रीज हो गया था। उसका ये शर्माया सा रूप उसके दिल को बहुत बैद, आप शर्मा रही हैं, नहीं तो खाने में मिर्चें ज़्यादा हैं शायद, आन ने बहाना गढ़ा। प्रिंसिपल ने मेरे बारे में क्या कहा? आन ने जानना चाहा, फिर से तजस्सुस। अलीदान मुस्कुराया, वो शर्मिंदा हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले मुझसे एक बात कर फिर ही मैं बताऊँगा, वो ऐसे ही तो जाने नहीं देना चाहता था, ना ही ऐसे मौके बार बार आने थे, शायद वो सख्त कन्फ्यूज़ होने लगे, कहीं आप ये तो नहीं सोच कि मैं आपसे वादे में ज़िंदगी ना ले लूँ? मुस्कुराकर उसके तजब्जब को देखा, नहीं ऐसा नहीं। आन ने शाने उचकाकर खुद को लापरवाह जहर किया, तो फिर अलीदान ने उसकी आंखों की गहराइयों पर नज़र की थी। परेशान मत हो, मैं किसी को मजबूर करके उसके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करता, शादी तो हर हाल में आपसे ही करनी है, फैसला कौन ले जा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आन ने लाभ भींचे, ओके अब असल बात की तरफ आता हूँ, मेरी कंपनी को आर्जी तौर पर लेक्चरार की जरूरत है, क्या आप पार्ट टाइम करेंगी? अगर हाँ तो मैं आपको बता सकते कि उसने क्या कहा। मुस्कुरा कर देखा, हम आन सर नीचे की यह अपनी हंसी छुपाने लगी। रिदा ने घूरा था, किस बात पर हंसी? मैं आपकी कंपनी में जॉब कैसे कर सकूं जहां 100 की तादाद में अफराद होंगे, हम ये पहली बार है कि मैं लोगों के जाती फायदे का सोच रहा हूं, सैलरी भी दिनों के हिसाब से होगी। आन ने उसे कॉन्फिडेंस से देखा, ऐसा लगता आपका कोई और मकसद छुपा है। अलीदान मुस्कुरा दिया, वो जहन थे ये वो मान गया, सिर्फ लंच लाना होगा। वो हैरान रह गए, लंच बॉक्स बस, बिल्कुल एक माह के दौरान सिर्फ लंच मेरे लिए लेंगी, अगर लंच नहीं ला सकें तो मैं रात को इधर आकर खा लूँगा, दो में से एक चूज कर लें। आन सरप्राइज्ड हुई, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं? अगर आप समझती हैं कि यह तकसीम गैर मुनसिफाना तब भी यही होगा, अगर आपको ये पसंद नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है, वापस विला चलें, मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूँगा, बदले में मेरे लिए तीन वक्त का खाना पकाएंगी बस। आन खामोश बैठी प्लेट को तके जा रही थी।
खरीदार उसके पुरसोच और प्यारे प्यारे चेहरे को देखकर दिल फ्रेबी से लब बेच कर मुस्कुराया। अगर आपको डर है कि मैं आपको तंग करूंगा तो ये फजूल है। अगर आप कंपनी में नहीं आना चाहते तब भी मैं आपको छोड़ नहीं सकता, वजह आप भी अच्छी तरह से जानते, मुझे तुमसे उनसियत हो गई। अलीदान मुस्कुराया, आंख दंग सी बैठी रह उनसियत उसके दिल में घंटियां बजने लगी। अलीदान उसकी कन्फ्यूज को समझ रहा था तभी धीरे से मुस्कुराया, लेकिन मेरे लिए आपका कुकिंग करना उसके आगे कुछ भी नहीं। इन 27 सालों के अरसे में मैंने कभी घरेलू खाना नहीं खाया, हालांकि मेरे विला की बड़ी सी टेबल पर हर किस्म की मजेदार खानों से भरी होती थी। क्या आप सब्र कर सकती हैं, मैं अकेला बैठा तो मेरे चारों तरफ नौकरों की फौज रहती, लेकिन उसके बावजूद भी उस अकेलेपन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो पहली बार अलीदान की पर्सनल जिंदगी के मुतालिक जान रही थी। आपका मन मेरे लिए खाना पकाना मुझे ये महसूस करवा के काश मैं एक आम सा शख्स होता और इस तरह घरेलू किस्म का खाना खाता, ये वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। आन ये सुनकर उसका दर्द अपने दिल में महसूस करने लगी। उसे याद था जब वो छोटी थी और उसकी माँ उसे घर छोड़कर काम पर जाती थी, वो तनहा खाना खाती थी, तनहा नहाती थी, तनहा पढ़ती थी। उसने तनाई को महसूस किया था, तनाई को उड़ना बिछोड़ना बना लिया था, उससे ज्यादा तनाई की हिजे को कौन जान सकता था। वो अलीदान का दुख महसूस कर सकती थी। हम तो फिर मैं कब से काम शुरू करूं। आन ने मुस्कुराकर उसे देखा, फैसला लम्हों में करके वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। कल से आ जाए, अब के अलीदान दिल से खुश हुआ। वो इस वक्त ऑफिस में बैठा पुरसोच अंदाज में आगे पीछे हल्का सा जोर रहा था। उसने आन को बिल्कुल असल बात नहीं बताया कि मिसेस बिलाल तकी ने क्या किया। मिसेज तकी, मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा तुम आन असमा से 100 कदम की दूरी पर रहोगे, वरना फिर बिजनेस रिलेशन भूल जाना। मिसेज बिलाल तकी डरी जरूर, लेकिन फिर भी अपनी असली डीठ पान से बोले कि वो आन जैसी नाजायज लड़की की किस रिश्ते पर साइड ले रहा। जिस पर अलीदान धाड़ा था, खबरदार अगर आइंदा से तुमने आन असमत को इस घटिया लफ से पुकारा, उसकी पहचान मुझसे है, मैं ही उसका बैकग्राउंड, वो मेरी औरत है, आइंदा उसे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना अलीदान शाह क्या कर सके तुम सोच ही सकती हो। फिर उसे आन का यह कहना याद है, मैं मुतजस्सिस हूँ, आपके इर्द गिर्द हजारों खूबसूरत औरतें मौजूद हैं, फिर आपने मुझे ही पसंद क्यों किया? क्या इसलिए कि मैं सबसे मुख्तलिफ हूँ, गरीब हूँ, या मेरी जिंदगी काबिल रहम है, और क्या आपको मुझ पर तरस आता है? अलीदान ने लब भींच कर उसकी आंखों में झांका। मेरे पास इन सवालों के 2 जवाब बात है, आप क्या सुनना पसंद करेंगी, सच या झूठ? आप बताएं क्या सुनना पसंद करेंगे, सच जो वाकई में सच हो। आपने आन ने लब काटे। अलीदान ने उसकी हरकत पर उसे घूरा, दोनों ही सच हैं, बस बताने का तरीका मुख्तलिफ। एक सच ये कि जब मैं आपके साथ होता हूँ तो बोलने की ख्वाहिश जगती है, दूसरा सच ये कि मैं ऐसी औरत ढूंढता था जो मेरे दिल को फतह करे और बड़े हक से मुझ पर हुकूमत करे। वो उसकी नीली आंखों में जांगता बोल रहा था। 2 टोक बाद के मैं आपके साथ आपके सीने पर सर रखकर सुकून पाने का ख्वाहिशमंद भी हूँ। ये सुनकर आन की सांस ऊपर की ऊपर रह गई, उसे बुरी तरह खांसी लगी, वो बुरी तरह खांसने लगी, नवाला फंस गया था शायद। अलीदान ने गिलास उसके मुंह से लगाया, बेख्तियार पीठ सहलाने लगा, उसके इस अमल से मोहब्बत केयर शो हो रही थी, साफ वजह था कि वो उसके लिए क्या महसूस रखता है। देन यू लव मी, काफी देर बाद जब उनकी सांस नरम हुई तो उसकी आंखों में देख कर मासूमाना सवाल किया,